जैसे कि आपको पता चल गया होगा, थंबनेल और टाइटल देख के पता चल गया होगा कि वीडियो किस लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं विकास कुमार और फ्री कर में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि आप प्ले स्टोर में चले जाइए, वहां से एक एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा। उस एप्लीकेशन का नाम है पिक्सल लैब, ठीक है। आप यहां पर उसका नाम अच्छी तरह से देख सकते हैं। आप नाम देख के सर्च कीजिए प्ले स्टोर में, आप देखेंगे इसका आइकन देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर पहचान लीजिए अच्छे से जाकर, अब वहाँ पर डाउनलोड कर लीजिए उसको। जो बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, यहाँ पर बताया गया है आपको कि क्या क्या कर सकते हैं। 3D इमेजेस, 3D टाइटल, कुछ भी आप लिखना है इससे, मतलब ज़्यादातर इससे लोग जो यूट्यूबर्स होते हैं ना, इस एप्लीकेशन का उपयोग ज़्यादा करते हैं थंबनेल बनाने के लिए। तो मैं इसके बारे में आज बताने जा रहा हूँ आपको। तो चलिए इसे ओपन करते हैं और सीखते हैं कि क्या क्या इसमें ऑप्शन दिया हुआ है और क्या क्या हम कर सकते हैं। तो हमने इसे ओपन कर दिया। तो चलिए एक थंबनेल क्रिएट करके और देखते हैं कि कैसे हम बना सकते हैं। तो कुछ ज़्यादा नहीं है, वहाँ पर आप जाकर टेक्स्ट करके यहाँ पर एडिट कर सकते हैं, यहाँ पर जो भी लिखना है आप। जैसे कि हमने लिख लिया हाउ मेक ए थंबनेल, ठीक है। तो हम कैसे आज बनाते हैं आप देखेंगे यहाँ पर। चलिए इस थंबनेल जो है इसको कट कर लेते हैं, बस इतना ही रहने देते हैं। इसे ओके कर दिए। अब यहाँ पर ऑप्शन में चले जाते हैं। अरे आप यहाँ पर पहले इमेजेस को, जो आपको कैसा इमेजेस चाहिए, बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। प्रोफाइल पिक्चर, यूट्यूब चैनल बैनर, यूट्यूब थंबनेल, यूट्यूब कवर आर्ट, गूगल प्लस कवर फोटो, मतलब बहुत कुछ इसमें आपको ऑप्शन दे देता है। वहाँ पर जाकर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप सेलेक्ट करने के बाद आपका जो है ना, इसका जो साइज होता है वो चेंज हो जाता है। तो हम यहाँ पर जो है इसको बड़ा जूम कर सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन में हम कुछ खास जो दिया गया है फीचर उसके बारे में जानेंगे, और बहुत कुछ इसमें बनाने के लिए दिया गया है। तो आप जाकर इसमें सीख सकते हैं। पर हम थंबनेल के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो जो खास वाला है उसको ही जानेंगे। तो यहाँ पर आप जाकर कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जो भी कलर चाहिए आपको आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। मैंने कलर चूज कर लिया। तो जो जो मेन मैंने यहाँ पर दिया गया है, अब यहाँ पर फॉन्ट है, फॉन्ट का जो अब टाई क्या बोलते हैं उसको, स्टाइल जो होता है उसको चेंज करना हो तो यहाँ पर आप फॉन्टिंग चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं, यहाँ पर आप चाहिए चेंज कर लीजिए। आप देख सकते हैं जैसे कि हमने ये कर लिया हाउ टू मेक इट, ठीक है। अब ये जो है इससे क्या होता है कि हम थोड़ा इसको मोटा जूम कर सकते हैं, और जो इससे है थोड़ा टेढ़ा कर सकते हैं, और जो यू का है इसे लाइन बाय लाइन नीचे कर सकते हैं। तो आप इसका उपयोग करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, घुमा सकते हैं ऊपर का, जैसे भी राउंड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। और यहाँ पर जो बैकग्राउंड कलर है उसको चेंज कर सकते हैं। तो हम बैकग्राउंड कलर नहीं रखना चाहेंगे क्योंकि कुछ खास नहीं लगता है। तो इसे बैक करेंगे और जाएंगे हम शेडो पर। आप देखिए उसे शेडो करेंगे तो पीछे जो परछाई कहते हैं, परछाई जो बन जाता है, तो आप परछाई बना सकते हैं चाहे तो। और इसे आप सबसे अच्छी बात इसमें एक दिया गया है 3D रोटेट और 3D। तो आप इस जो है इसको आप 3D में चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 3D रोटेट है, आप कर सकते हैं, आपके ऊपर है। हमने दिखा दिया कि कैसे किया जाता है, आप जाकर कर सकते हैं। अब एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं तो धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएंगे। तो 3D टेक्स्ट अब देखिए यहाँ पर ओपन करते हैं, आपका 3D टेक्स्ट बन गया डायरेक्टली।
तो आप जाकर इसे कर सकते हैं, सीख सकते हैं। और चलिए हम इसे बैक करते हैं और कुछ ऑप्शन के बारे में जानते हैं। यहाँ पर जो बैकग्राउंड कलर है उसको चेंज कर सकते हैं, आप देख लीजिए वहाँ पर बैकग्राउंड जो मेरा चेंज हो गया। सो बहुत सारे ऑप्शन इसमें दिए हुए हैं, अगर आप चलाते हैं इस एप्लीकेशन को तो धीरे धीरे सब कुछ सीख जाएंगे। और यहाँ पर जो था आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर जैसे कि एक इमेजेस हम चूज कर लेते हैं वहाँ से, चलिए इसको ले लेते हैं और इस इमेज को देख सकते हैं आप। वहाँ पर जो है इमेजेस चेंज हो जाता है, हमारा जो ऊपर वाला है उस पर हम पिक्चर कोई भी लगा सकते हैं और हमारा जो है वाव मस्त लगने लगेगा। तो आप यहाँ पर फिर लिखेंगे थंबनेल, ठीक है, क्योंकि हम जैसे कि टाइटल बनाना चाहते थे हाउ टू मेक ए थंबनेल, तो हाउ टू मेक ए तो हमने लिख दिया था, थंबनेल लिखना बाकी था, तो वही प्रोसेस इस पर भी लागू करेंगे। और इस थंबनेल को हम बनाए कि जैसे कि उसको बनाया गया था, या आप जैसे जो बनाना चाहें आप बना सकते हैं इसी प्रोसेस द्वारा। और हम सीखेंगे कि इसमें इमेजेस कैसे ऐड किया जाता है। आप थंबनेल में देख सकते हैं अपना फ़ोटो, इमेजेस, बहुत सारे पिक्चर्स आपको दिखाई देगा, पर आप कैसे इसमें इमेजेस डाल सकते हैं, बना सकते हैं, उसके बारे में भी जानेंगे। चलिए इसमें भी एक पिक्चर लगा लेते हैं, ये कुछ खास नहीं लग रहा है, शायद हमको ये हटाना चाहिए। इसका फॉन्ट पहले चेंज कर लेते हैं, लिए ये वाला यार कोई अच्छा सा मिल जाए, ये वाला ठीक है, इसे करते हैं। चलिए यहाँ पे जिसका जो पिक्चर लगाए हुए थे हम, ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं पिक्चर को। अब यहाँ पर जो हम क्या करेंगे आपको बता देते हैं, यहाँ पर जो था पूरा पिक्चर को कैच करके उसमें बस जो दिखा रहा था, तो यहाँ पर डायरेक्टली हम जो लिखा हुआ था एक ही कलर वाला उसको कट कर डाल देंगे। और यहाँ पर आप जूम और जैसा चाहें इसको स्केल कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए, तो हम ऐसा ही रहने देते हैं, ठीक है। और चलिए आप सीखते हैं इसमें पिक्चर ऐड कैसे किया जाता है, ठीक है। बैकग्राउंड इसका अच्छा, तो इसको कुछ 3D टाइप का करना था, बैकग्राउंड चेंज करना था, ठीक है। यहाँ पर हम कर लेते हैं, जैसा आपका दिल हो वैसा आप कर सकते हैं, 3D रोटेट थोड़ा सा कर देते हैं इसको, ठीक। शैडो उसका चालू कर दिए, उसका राउंडिंग थोड़ा सा कर लेते हैं, जैसे कि ये भी ठीक लग रहा है, तो इसको छोड़ देते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं, ज़्यादा कुछ इसमें छेड़छाड़ नहीं करेंगे।
इसको हटा देते हैं टेक्स्ट, अभी टेक्स्ट का नहीं, अभी इमेजेस कैसे ऐड किया जाता है इसके बारे में चलिए सीखते हैं। तो हम आ गए हैं, कोई इमेजेस सेट करने के लिए, जैसे सब्सक्राइब है, ठीक है, सब्सक्राइब को हम ऐड करते हैं वहाँ पर। आप करिएगा क्या कि अगर आपको कोई भी इमेजेस चाहिए तो आप जाकर गूगल से कोई इमेजेस का नाम लिखकर और ट्रांसपोर्ट वाला अभी जो इमेजेस है उसको अपलोड कर लीजिएगा, जो कि होगा क्या कि उसका बैकग्राउंड वाइट कलर का होगा, जो इस पर यहाँ पर आपको दिखेगा नहीं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर डायरेक्टली आपको बस सब्सक्राइब का इमेजेस दिख रहा है, तो ये आप यहाँ पर लाकर कर सकते हैं। वहाँ पे जो नीचे वाला बताना भूल गया आपको, सॉरी, नीचे वाला जो ऑप्शन से तीसरा हुआ है उस पर जाना है आपको। वहाँ पर जाने के बाद आपको ऑप्शन देगा इमेजेस का, जो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप इसमें आकर भी बहुत सारे ऑप्शन दिया हुआ है आपको, शैडो का और सारे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप इसमें भी, सच में बता रहे हैं दोस्तों, ये एप्लीकेशन कमाल का है। आप थंबनेल बनाने के लिए आप इसको उपयोग कर सकते हैं, सच में एप्लीकेशन को कुछ खास मकसद के लिए बनाया गया है, जिसमें आप उपयोग करके बहुत अच्छा खासा इमेजेस बना सकते हैं। चलिए ये भी इमेज हम डाल देते हैं इसमें, इसको छोटा कर लेते हैं, यहाँ से पकड़ के यहाँ पर लगा दिया। और भी चाहे तो आप इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं, तो हम कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि आपको कुछ बताना था कि थंबनेल कैसे बनाएंगे और किस एप्लीकेशन से, तो हमने बनाकर आपको दिखा दिया यहाँ पर आप कैसे बना सकते हैं। आप यहाँ पर आप जाकर सेव कर सकते हैं, तो यहाँ पर दो ऑप्शन फॉर्मेट देता है आपको इमेजेस सेव करने के लिए, तो आप PNG या JPG में आप जाकर सेव टू गैलरी पर क्लिक करके आप कर सकते हैं। तो देखिए हम इमेजेस को यहाँ पर सेव कर दिए, और बैक चल के उस इमेज को अभी जो बनाए थे हमने इसको अभी देखते हैं, गैलरी में चलते हैं हम। गैलरी में जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यही एप्लीकेशन बना हुआ था। थैंक यू, और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। But tonight I'm loving you.